वहीं हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी को लेकर एक बार फिर से तकरार शुरू हो गई है। और इसी बीच गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान भी झूठ बोलकर ज्यादा ऑक्सीजन लेने का काम किया था और अब फिर से पानी के बंटवारे को लेकर हरियाणा पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। जबकि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी की आपूर्ति लगातार की जा रही है और दिल्ली के सीएम अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए हरियाणा पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने उधर किसान आंदोलन पर कहा कि शांतिपूर्वक आंदोलन, जुलूस और भूख हड़ताल करने का अधिकार हर किसी को है। अगर कोई आंदोलन की आड़ में हिंसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। पहले झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके कोरोना काल में आवश्यकता से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त कर और अब पानी के लिए जिसमें कि हमने बिल्कुल भी कटौती नहीं की है 1099 क्यूसिक पानी इनका तय है और म्यूनिक नहर से वो पानी इनको दिया जा रहा है। मानसून की वजह से कमी है लेकिन वो कमी हम झेल रहे हैं, उसका हम दिल्ली पर असर नहीं पड़ने देंगे। दिल्ली को हम जितना तय है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज।